हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वाइट साइड का वैसे तो मकसद ये होता है कि पाकिस्तान के हार्ड कोर टॉपिक्स और इश्यूज को हम डिस्कस तो अपलोड की, तो मैंने सोचा कि यार ये मेरी डोमेन नहीं है, इसको मुझे नहीं छेड़ना चाहिए, मुझे ख्वाम खाइस पंगे में नहीं पड़ना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, जब मुझे 3 माह पहले पता चला था कि ये जो कैनेडियन यूट्यूबर्स हैं इन्होंने डकी का फेसबुक पेज ही बंद करवा दिया स्ट्राइक के मार के, तो इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी। बट स्टिल मैंने कहा यार छोड़ो बड़ा, मेरा काम नहीं है इनसे पंगा लेना, मैं क्यों ख़राब करूँ अपने आप को। बट जो वाइट साइड के जिगर्स हैं आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा फीडबैक है यार कि आप भी इस मामले पे कुछ बोलें। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट सामने आई। मैंने फिर सोचा कि यार ये एक छोटा इशू है और ये हमारा जो भी थीम है ये उसमें फिट नहीं होता, मैं इसको कैसे कैटर करूं। आई वॉन्ट टू डिस्कस द रियल इश्यूज इन पाकिस्तान। ये क्या है, यूट्यूबर्स के आपस के मसाइल, टाइनी यूट्यूबर्स के मसाइल। बट मैंने फिर सोचा और फिर सोचा, जो मेरा इस वक्त काम है यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन, अगर मैं अपनी कम्युनिटी से एम्पथाइज नहीं कर सकता तो मैं फिर बाकी पाकिस्तान से कैसे एम्पथाइज कर सकता हूँ। यही सवाल मेरा शामिदरी से भी है। सर आपने तो हद कर दी, आपने डकी भाई का वो पेज जिसपे 2.5 लाख से ज्यादा लाइक्स थे वो बैन करवा दिया। आपने बिल्कुल भी एम्पथाइज नहीं किया कि एक रिलेटिवली न्यू यूट्यूबर और आप इस डोमेन में पिछले 10 साल से हैं, आपने कोई एहसास नहीं किया कि यार मैं अपने एक फेलो पाकिस्तानी की इतनी मेहनत लगती है। यार मुझे पता है कि एक एक सब्सक्राइबर के लिए, एक एक लाइक के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, कितना तड़पना पड़ता है। मुझे पता है कि मेरी जब कम्युनिटी सेक्शन में मेरे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि बहुत से लोग उससे नहीं एग्री करते मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो जब कोई बंदा कहता है ना कि यार आई एम अनसब्सक्राइबिंग योर चैनल, तो सीरियसली उस वक्त फट जाती है। और 2.5 लाख लाइक्स उसने पता नहीं किस तरह, यानी कि उसने बनाए थे, वो उसकी फॉलोइंग थी फेसबुक पे एक पैरेलल प्लेटफॉर्म पे, आपने वो ही बंद करवा दी। और क्यों बंद करवाई? सिर्फ और सिर्फ उसने आप पे एक रोस्ट वीडियो की, जो उसकी डोमेन है, जो उसका जॉनर है, उस वक्त उसकी हार्ड फीलिंग्स नहीं थी आपके लिए, लेकिन आप उससे ऑफेंड हुए, आप एक टाइनी यूट्यूबर से इंटिमिडेट हो गए और इतना इंटिमिडेट हो गए कि आपने उसका फेसबुक पेज ही बंद करवा दिया। और आपने बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया, बिल्कुल एज अ कंटेंट क्रिएटर आपने ये नहीं सोचा कि यार उस पर क्या बीतेगी। आपने तो यकीन करें उसकी आधी जिंदगी खत्म कर दी, यानी कि 50% तो उसने लूज कर दिया, अब 50% जो उसके पास है वो अब उस पर डर नहीं रहा, अब वो खुलकर सामने आ रहा है और अब वो आपको मजीद गंदा करेगा। और इस बैंड वैगन में देखें, ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो टाइनी यूट्यूबर्स आप पे आपके कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, सर कोई नहीं यूज़ कर रहा, मैंने कभी आप पे वीडियो नहीं बनाई, मुझे 1000 रिक्वेस्टें आई हुई कि यार आप शाम और फॉगी पे वीडियो बनाएं, मैं कहा यार मेरी डोमेन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये अब ये वाकई एक मसला बन चुका है। और आप ये देखें कि पूरी पाकिस्तान की यूट्यूब कम्युनिटी एक तरफ और आप हैं एक तरफ, सारे डकी भाई को सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे सिनेरियो में, क्योंकि गलती पर आप हैं। अच्छा, मेरे पे अगर डकी वीडियो बनाता ना, मुझे रोस्ट करता, तो मेरा क्या रिएक्शन होना था? मैंने नीचे लिखना था तेरी लव यू मैन, लव यू, छा गया है, तू छा गया है। और अक्सर ऐसा देखा भी है मैंने, पाकिस्तान में ही हुआ है कि जिनको रोस्ट किया वो उसे कह रहे हैं कि यार हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लो, बजाय इंटिमिडेट होने के। और आप तो एक 15,000 सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर से इंटिमिडेट हो गए। भाई अगर आप अपने आप को पाकिस्तान का बिगेस्ट यूट्यूब स्टार कहते हो तो प्लीज़ एक्ट लाइक वन। और अगर इतना ही आप इनको टाइनी और कह रहे हैं कि जी ये छोटे यूट्यूबर्स हैं, तो फिर आपको इनसे इंटिमिडेट होने की ज़रूरत क्या है? आपने पहले दिन से उस रोस्ट को रोस्ट ही लिया होता ना, एज अ रोस्ट ट्रीट किया होता, पर्सनल ना ले लिया होता, इंटिमिडेट ना हुए होते, इनसिक्योर ना हुए होते, तो आज ये हालत नहीं होनी थी कि पूरा पाकिस्तान आप पर हेट फेंक रहे हैं। आप अगर इसको हंसी मजाक में डाल जाते ना, नीचे कमेंट ही कर देते कि यार लव यू, वी लव दिस रोस्ट, तब देखें क्या होना था। लेकिन बस अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस हेट को रोकना है ना, जो कि अब अनकंट्रोलेबल हो चुकी है, उसका एक ही हल है कि आप ये जो आपने स्ट्राइक सेंड करवाई थी आप इनको रिट्रैक्ट करवाएं, ये बोगस नैरेटिव छोड़ दें कि आपको पता ही नहीं आपकी टीम ने भेजी है, सर प्लीज़ और जाने दें, सर मैंने यूट्यूब सर्टिफिकेशन ली हुई है, मैंने मैनेजमेंट की हुई है सारी, कॉपीराइट सिस्टम में मुझे पता है, आप एक इशारा करेंगे वो कर देंगे, जो भी आपकी टीम है आप खुद दें, बड़े होने का सबूत दें और प्लीज़ स्ट्राइक्स रीट्रैक करवा दें। मैं अपना एक वाकया शेयर करता हूँ, मैंने एक टीवी चैनल के शो को बैश किया बहुत बुरी तरीके से, तो उन्होंने स्ट्राइक मार दी मेरे फेसबुक पेज पर उस वीडियो पर। अब
जो बैन हुआ, जो ब्लॉक किया गया, वो मेरा पर्सनल फेसबुक अकाउंट था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मेरे बिजनेस के कॉन्टेक्ट से, मेरे कुछ बिजनेस अकाउंट्स थे अपने अकाउंट पे, अपने पर्सनल फेसबुक पे, वो सारे ज़ाया हो गए। तो एक महीने तो मैं बैठा रहा। फिर मुझे किसी ने आइडिया दिया कि यार आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, उन चैनल वालों से, क्या वो स्ट्राइक रिट्रैक्ट करवाएं। मैंने फिर वो दो महीनों बाद मेरा पर्सनल फेसबुक अकाउंट वापस आ गया, क्योंकि मैंने उनसे रब्ता किया और मेरी जो स्ट्राइक्स थी वो रिट्रैक्ट हो गई और मेरा फेसबुक पेज वापस आ गया। आपको भी इस वक्त चाहिए कि आप डकी भाई का 2.5 लाख पेज, मुझे नहीं समझ आती कि यार आपको क्यों नहीं एहसास, ये सीरियसली मेरे लिए एक अनबिलीवेबल बात है। एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर आप किस तरह दूसरे कॉन्टेंट क्रिएटर पर इस तरह छुरी चला सकते हो। तो बॉटम लाइन यही है कि प्लीज़ आप स्ट्राइक्स रिट्रैक्ट करें, और फ्रॉगी ने ये जो बहुत ऑफेंसिव ट्वीट्स थी पाकिस्तान के बारे में, इनको भी डिलीट करें। तब इंशाल्लाह हम किरदार अदा करेंगे कि आपके खिलाफ जो हेट इस वक्त शदीद मैसिव लेवल पे फैल चुकी है, उसको हम भी कुछ कम करने में अपना रोल प्ले कर सकें। नहीं तो सर ये अनकंट्रोलेबल होती जा रही है, होती जा रही है, और आपके लिए चीज़ें मजीद मुश्किल हो जाएंगी। समझ लें तो समझ जाएं, नहीं तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है।